हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल है। थ्योरी सेशन मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 79 वीडियोज का मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है, बीबीएससी TIE2 में। एंड चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक का तो जरूर उसको देखिए। एंड बीबीएससी एंड 2024 फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिस सेट में 93वां वीडियो है। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। पहला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है, IOC ओलंपिक खेल आयोजन का स्थान देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा शहर को दिया जाता है। बहुत सारे देश अपने अपना प्रस्ताव देते हैं, उसमें से किसी देश के एक शहर को दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक कार्य नहीं आता है। पाठशाला में स्वास्थ्य का ज्ञान आता है, सफाई आता है, स्वास्थ्य परीक्षण आता है, बट रोगों का उपचार नहीं आता है। एक क्लिनिक में ही जाके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्किट प्रशिक्षण विधि किस विकास के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, सर्किट प्रशिक्षण जो गोलाकार सर्किल में किया जाता है अलग अलग टाइप्स के, तो यह स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ताकत मतलब स्ट्रेंथ, दमखम मतलब एंड्योरेंस, यानी कि ताकत, शक्ति, सहनशीलता को डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्शन प्रक्रिया सदैव किस तल में होती है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है कि सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल तीन प्लेन होते हैं, जिसमें से सेजिटल प्लेन जो होता है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है और गति जो है आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेजिटल प्लेन, जबकि एबडक्शन एडक्शन होगा आपका फ्रंटल प्लेन में। फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे बांटती है, शरीर को और दाएं बाएं भागों में गति होती है, जैसे एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशी शिथिल रिलैक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब हम मांसपेशी क्रिया करते हैं जिसमें मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्ट होने में, कार्य करने में मुख्य भूमिका अदा करती है, उसे कहते हैं एगोनिस्ट। एंड जो उसकी विपरीत भूमिका अदा करती है, विस्तारक होती है, रिलैक्स होती है, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट। ठीक है, जैसे हम बांह को मोड़ रहे हैं तो मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कौन कर रहा है? बाइसेप्स मसल्स। ठीक है, तो बाइसेप्स मसल्स क्या है? एगोनिस्ट है। और उसके विपरीत भूमिका यानी रिलैक्सेशन में, विस्तारक में कार्य कौन कर रहा है? तो एंटागोनिस्ट, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स हो गया आपका एंटागोनिस्ट। तो दोस्तों, जो शिथिल अवस्था में रहती है उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो शरीर से जो दूर जाती है, बाह बगल में उठता है, उसे हम कहते हैं एबडक्शन। और मध्य शरीर के पास आती है तो उसे हम कहते हैं एडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका क्या है? तो दोस्तों, जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है शारीरिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य करना। ऐसे दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धिमत्ता कोष्टक यानी IQ क्षमता क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोटिएंट जो होता है, IQ कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का? सबसे पहले जानिए कि 140 तथा इससे ऊपर होता है IQ, तो उसके प्रतिभाशाली यानी जीनियस बोला जाता है। और 120 से 140 होता है तो उसे प्रखर बुद्धि यानी सुपीरियर बोला जाता है। 110 से 120 के बीच होती है तो उसे तीव्र बुद्धि यानी एबव एवरेज बोला जाता है। 90 से 110 होती है तो उसे सामान्य बुद्धि यानी एवरेज बोला जाता है। यहाँ पे 90 से 110 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, एंड 80 से 90 होती है तो उसे बुद्धि दुर्बल बोला जाता है। 70 से 80 में बुद्धू डल होता है। 50 से 70 में मूढ़ यानी होता है। 25 से 50 में हीन और 0 से 25 तक, 25 से कम है तो उसे जड़ बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लायोमेट्रिक्स को यह भी कहते हैं। प्लायोमेट्रिक्स जो लगातार लाइन से एक बेंच रख दिया जाता है कुछ ऊंचाई पर और उसी पैर से हम जंप करके नीचे आते हैं और इससे हमारे विस्फोटक शक्ति का विकास होता है। यहाँ पे प्रतिक्रिया कूद यानी कि विस्फोटक शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भार दर होती है, ठीक है, लोड डेंसिटी किसके विपरीत होती है, लोड भार दर, ठीक है, लोड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, भार दर लोड इंटेंसिटी, यानी कि हमेशा जो इंटेंसिटी होती है वो वॉल्यूम के विपरीत होती है। यदि कि वॉल्यूम यानी कि मतलब कितना समय कार्य किया गया, तो अगर ज्यादा समय होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो तीव्रता यानी कि जो भार दर होगी वो कम होगी, और जब वॉल्यूम यानी कि समय कम होगा तो भार दर यानी तीव्रता जो है वो ज्यादा होगी। जैसे 100 मीटर दर में स्पीड ज्यादा होती है, तीव्रता यानी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जबकि 5000 दर में तीव्रता यानी इंटेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक व्यायाम में पेशी की लंबाई क्या होती है। तो आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, यह स्ट्रेंथ डेवलप करने की विधियां हैं। तो आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी इसमें सेम तनाव होता है, पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है, छोटी तथा बड़ी होती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, और ये दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक, छोटी होती है तो उसे कंसेंट्रिक और बड़ी होती है तो उसे इसेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई का स्पीड और वाई का स्पीड क्या है। दोस्तों ट्राई का स्पीड और वाई का स्पीड जो है हृदय के वाल्व है, हृदय के दरवाजे हैं, चार दरवाजे या चार वाल्व होते हैं। ट्राई का स्पीड वाल्व जो होता है दया अलिंद दया निलय के बीच होता है, और बाय का स्पीड या मैट्रिक वाल्व भी कहते हैं उसे, जो बाया अलिंद बाया निलय के बीच होता है। और तीसरा वाल्व होता है पल्मोनरी वाल्व, जो पल्मोनरी धमनी और दया निलय के बीच होता है। और चौथा होता है एरोटिक वाल्व, जो बाया निलय और महाधमनी के बीच होता है, और एरोटिक वाल्व के रास्ते ही बाय नीले से रक्त, शुद्ध रक्त शरीर के समस्त भागों में महाधमनी के द्वारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी आकार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मांसपेशी आकार के बढ़े हुए भाग को हम कहते हैं मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों कि मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या और ट्रॉफी एक जरूर पूछता है, यानी कि जब नियमित व्यायाम से मांसपेशी वृद्धि होती है, शक्ति में ज्यादा वृद्धि होती है, उसको मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और जब व्यायाम की कमी से या अनुवांशिक के कारण पेशी छोटी कमजोर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी। और जब मांसपेशी का अपेक्षा से ज्यादा आकार बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोकाइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी उत्तक की बाहरी परत को क्या कहते हैं। जो मांसपेशी तंतु होती है दोस्तों उसकी बाहरी परत को संपूर्ण मांसपेशी को घेरे रहती है एपिमाइसियम, इसको हम एपिमाइसियम कहते हैं। और उसके अंदर जो मांसपेशी तंतु निकले रहते हैं उसके बंडल को यानी मांसपेशी तंतुओं के समूह को घेरे रहता है पेरिमाइसियम, और एक मांसपेशी तंतु को घेरे रहता है एंडोमाइसियम। याद रखिएगा, संपूर्ण मांसपेशी को एपिमाइसियम और मांसपेशी तंतुओं के समूह के बंडल को पेरिमाइसियम और एक मांसपेशी तंतु को एंडोमाइसियम घेरे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सनबर्न एवं स्नो ब्लाइंडनेस होता है। दोस्तों यह अक्सर होता है ऊंचे स्थानों पर जहां बहुत सारे गर्मी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पेशियों में होती है। तो पेशियों में दो प्रकार के तंतु फाइबर पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है। एंड व्हाइट मसल फाइबर फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है, जल्दी जल्दी संकुचित होता है, और यह अनएरोबिक क्रियाओं, कम समय की क्रियाओं जैसे स्ट्रेंथ वाले, जैसे भारोत्तोलन एंड जैसे 100 मीटर दौड़, उसमें काम आता है। जबकि रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है, धीरे धीरे संकुचित होती है, यह एरोबिक क्रियाओं यानी जिसमें सहनशीलता और ज्यादा समय की क्रियाएं होती हैं उसमें ज्यादा काम आती है। तो दोस्तों लाल पेशियों में ज्यादा क्या होता है, आप सही आंसर देख लिए होंगे, तो ज्यादा एरोबिक क्षमता होती है लाल पेशियों में, ठीक है, और सफेद पेशियों में ज्यादा अनएरोबिक क्षमता। नेक्स्ट है, टेंडनाइटिस क्या है।
तो दोस्तों टेंडन जो होता है मांसपेशियों को कंकाल पेशियों से जोड़ती है, कंकाल से जोड़ती है, ठीक है, यानी कंकाल मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है टेंडन, ठीक। तो टेंडनाइटिस, टेंडन में जो सूजन हो जाता है उसी को टेंडनाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन स्प्लिंट होता है। तो दोस्तों आपने, मैंने जो इंजरी वाले वीडियोज में अच्छे से पढ़ाया हुआ है स्पोर्ट मेडिसिन में कि एक होता है एंटेरियर लेग पेन, यह उसी को सीन स्प्लिंट, सीन पेन आदि नामों से जाना जाता है जो पैर के निचले पांव में होता है। यह क्यों होता है? खिलाड़ी के अनुकूलन यानी कंडीशनिंग न रहने के कारण, नए खेल खेलने के कारण, नए जूते पहनने के कारण, मैदान की सतह कठोर होने के कारण, प्रशिक्षक की तीव्रता इंटेंसिटी अधिक होने के कारण, ठीक है, इस चोट में पैर की टिबिया हड्डी के पास की टिबियोलिस में दर्द का आभास होता है तथा एंटीरियर या पोस्टीरियर टिबिया पेशी में सूजन तथा दर्द बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पाठ्यक्रम कारक है। दोस्तों जब पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम हमेशा क्या होता है, सीखने के अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खिलाड़ियों की कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है। तो दोस्तों जब खिलाड़ी योग्यता और आकांक्षा में संतुलन नहीं बैठा पाता है यानी दोनों में असंतुलन हो जाता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा की भावना आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ियां चढ़ते समय उपयोग में आने वाली ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियां उतरते समय ऊर्जा का व्यय कितना होता है। तो चढ़ते समय ज्यादा शक्ति प्रयोग होता है और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतरते समय कम। तो यहाँ पे 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम के समय एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से निकलने वाले रुधिर का प्रति मिनट आयतन 4 लीटर से बढ़कर कितना हो जाता है। सबसे पहले जानिए कार्डियक आउटपुट, एक मिनट में जितना रक्त हृदय से बाहर निकलता है उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है हृदय की एक धड़कन से जो रक्त शरीर की तरफ प्रवाहित होता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो 70 ml होता है। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में हृदय से जितना रक्त पंप किया जाता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है एंड हमारा हार्ट रेट प्रति मिनट होता है 72। 70 गुणे 72 करेंगे तो 5040 ml यानी 5.04 लगभग लीटर हृदय आयतन होता है। यहाँ पे 4 लीटर लिखा गया है बट 5 लीटर के लगभग होता है। तो जब हम ये साधारण स्थिति में होता है जब व्यायाम करने लगते हैं तो वहाँ पे बढ़कर 15 लीटर के लगभग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यायाम के समय की बात हो रहा है तो 15 लीटर उससे भारी व्यायाम करेंगे तो 30-40 लीटर भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी और भीतरी आलोचना क्रिटिसिज्म किस शोध में की जाती है। तो यह ऐतिहासिक शोध में की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों छोटी आंत के भाग का सही क्रम क्या है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। जो अमाशय यानी स्टोमस के तुरंत बाद अमाशय से जो भोजन आता है सबसे पहले डेडुनम में पहुंचता है जहां पे पित्ताशय से पित्तरस, पित्ताशय नली और अग्राशय नली दोनों जुड़ा रहता है और जो दोनों में से एंजाइम्स एंड पित्तरस जो है यहाँ पे भोजन में आके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी खेलने की सतह है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टेराफ्लेक्स जो है खेलने की सतह है और सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक झंडे में बना काला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि ओलंपिक छल्ले में, ओलंपिक झंडे में 5 छल्ले हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ठीक है, एंड इसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। यहाँ पे काला गोला जो है अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जले हुए व्यक्ति का इलाज है। तो जले हुए व्यक्ति का इलाज क्या है दोस्तों। तो जले हुए व्यक्ति का इलाज है पानी, तुरंत पानी से धो देना।
नेक्स्ट दोस्तों, खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन की समत्व है उसके, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है युक्ति क्षमता, अनुकूलन क्षमता, प्रशिक्षण की दशा, ट्रेनिंग कंडीशन क्या है। तो आप अगर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आप प्रदर्शन अच्छे नहीं कर पाएंगे। और होल पर्सनालिटी ये तो है ही, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला बात है। इस क्वेश्चन का आप आंसर सही ढूंढिएगा दोस्तों कहीं से भी, लेकिन खिलाड़ी का प्रदर्शन की समत्व तो है कि आप कितने खेलने से पहले या कंपटीशन से पहले कितने तैयारी किए हुए हैं, आप कितना अच्छा से ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बुक में दिया हुआ है प्रशिक्षण की दशा यानी ट्रेनिंग कंडीशन, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण व्यक्तित्व, होल पर्सनालिटी भी काम आता है, बट ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छा ज़्यादा महत्व रखेगा। इसका कन्फ्यूजन में है, इसका सही आंसर आपको एकदम एग्जैक्ट पता है तो जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, आप सबको पता है घेंगा यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य कौशल संबंधित सूचना उसे समायोजित नियंत्रित अभ्योषित करने में सहायक होती है। तो दोस्तों कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका जो हम फीडबैक प्राप्त करते हैं तब हमको पता चलता है कि उसमें क्या कमियां है, क्या नियंत्रित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मस्तिष्क मृदुगा भाग मिडल ब्रेन स्टेम का संबंध किस भाग के नियंत्रण से है। तो दोस्तों वो ग्रंथियों के ग्रंथि तंत्र को नियंत्रण करता है। सॉरी दोस्तों, वो नियंत्रित करता है संवेग यानी कि मोमेंटम को, मध्य मस्तिष्क जो है संवेग यानी कि मोमेंटम को, हमारी गति को नियंत्रित करता है जो सेरिबेलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न में से एक तत्व का होना आवश्यक है। तो वह तत्व है दोस्तों शारीरिक शिक्षा में होना आवश्यक है, तकनीकी ज्ञान और कौशल का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के प्रबंध तथा शासन का आधार किस एक सिद्धांत पर होना चाहिए। तो वह हमेशा शिक्षण के सिद्धांत पर होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेलों क्रियाओं की जननी कौन है। तो मदर ऑफ स्पोर्ट्स किसे कहा जाता है दोस्तों, जिम्नास्टिक को, एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स यानी खेलों की रानी कहा जाता है एथलेटिक्स को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत है तत्व ज्ञान यानी फिलॉसफी एंड विज्ञान। नेक्स्ट है, किस काल में सबसे अधिक वृद्धि होती है। दोस्तों तो सहसवा काल में, जो जीरो से पांच वर्ष का समय होता है, इन्फेंसी ईयर, सबसे ज्यादा वृद्धि होती है उसी साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद में लगी चोट के पुनर्स्थापन में किसका उपयोग किया जाता है। पुनर्स्थापन यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, पुनर्वास की बात कर रहा है। तो दोस्तों पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, जब हम चोट लग जाता है तो पहले वाले स्थिति में वापस आना ही पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन कहलाता है। इसकी तीन प्रक्रिया होती हैं, एक होता है करेक्टिव एक्सरसाइज यानी सुधारात्मक व्यायाम, और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण एंड फिजियोथेरेपी शारीरिक चिकित्सा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन में से केवल एक ही दिया है, सुधारात्मक व्यायाम यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खेलकूद गतिविधियों में सबसे प्रभावशाली लीवर कौन सा है। आप सबको पता है सबसे ज्यादा लीवर हमारे शरीर में तृतीय प्रकार का लीवर पाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है हमेशा, ठीक है। तृतीय प्रकार के लीवर में जो है फोर्स बीच में होता है, रेसिस्टेंस एंड एक्सिस के। प्रथम प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में, द्वितीय प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और तृतीय प्रकार के लीवर में फोर्स बीच में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल भूत अधिकार है, यह किस शासन पत्र का हिस्सा है। तो दोस्तों यह यूनेस्को के शासन पत्र का हिस्सा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बॉडी ब्यूटीफुल सुंदर काया ब्यूटीफुल फिजिक्स किसका आदर्श था, तो ग्रीस वासियों का। नेक्स्ट है, इलियड और ओडेसी ग्रंथ के रचयिता हैं। दोस्तों एलियड और ओडेसी की जो तुलना की जाती है महर्षि वेदव्यास के ग्रंथ महाभारत से की जाती है, तो यह लिखा गया है होमर, अंधे थे कवि होमर ने लिखा है जो ग्रीक के थे।
नेक्स्ट दोस्तों, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई थी? दोस्तों आप सबको पता है 1920 एंटवर्प ओलंपिक में ओलंपिक शपथ भी दिलाया गया था, पहली बार कबूतर छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप सबको पता है मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोड प्रोग्राम कब बनाया गया? तो यह प्रोग्राम बनाया गया 1965 में। नेक्स्ट है, कौन दशा दबाव से संबंधित नहीं है? दोस्तों अगर आप फ्रस्ट्रेशन में है, चिंता में है, तो उस कंडीशन में आपको उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है, पेस्टिक अल्सर हो सकता है, जबकि रक्त अल्पता नहीं होता, ये एनीमिया, ये आयरन की कमी से होगा। नेक्स्ट है, स्थिति में परिवर्तन में क्या होता है? तो स्थिति में परिवर्तन दोस्तों विस्थापन कहलाता है, याद रखिएगा, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट है, एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे किसे प्रभावित करती है? डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है वह खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका सीधा असर मांसपेशियों पर होता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्कुलिनिंग, एंड एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग, उत्तकों का निर्माण। यह पुरुष के हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है, और यह क्या करता है? पेशियों की ताकत और सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देता है, और व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत समझने लगता है। और अगर इसको महिलाएं सेवन करेंगी एनाबोलिक स्टेरॉइड को, तो पुरुष जैसे गुण आने लगते हैं, जैसे आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछ होना, ये सभी गुण आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम किसका घटक है? तो दोस्तों यह जो है मोटर क्षमता का घटक है। किसका घटक है? मोटर क्षमता का। जैसे कि आप जानते हैं जो फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है। यह स्पीड के अंतर्गत आपका प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम आता है, जिसके अंतर्गत जैसे 100 मीटर की दौड़ हो रहा है तो बंदूक की आवाज़ सुनते ही तुरंत दौड़ना शुरू कर देना, यह प्रतिक्रिया समय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिया नामक स्थान किन दो नदियों के मध्य बसा हुआ था? दोस्तों यह एल्फिया और क्लाडियस दो नदियों के बीच बसा हुआ था, बाद में यह ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलर तथा स्पेंसर ने निम्नलिखित खेल सिद्धांतों में से किस एक से संबंधित है? सब आपको पता है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सरपल्स एनर्जी थ्योरी को दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने, ठीक है, और रिकैपेसिटी रिमेमोरी थ्योरी को दिया है स्टेनली हाल ने, और मनोरंजन से सिद्धांत दिया है पैट्रिक ने, और पूर्वाभास भविष्यदर्शी की धारणा दिया हुआ है कार्ल ग्रूस ने। तो दोस्तों ये था आज के सेशन 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।